सलामकुम नाज़रीन, आज इस बिज़नेस के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इस बिज़नेस को आप लोग तीन तरीक़ों से कर सकते हैं। आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है या ज़्यादा है, फिर भी आप लोग इस बिज़नेस को बआसानी कर सकते हैं। ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है कि आप लोग सोच नहीं सकते। अगर आप लोग ये बिज़नेस करेंगे तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं और दावे के साथ कहता हूं कि आप लोग महाना अच्छा खासा कमा सकते हैं। दोस्तों, आपने कारोबार कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, रॉ मटेरियल और इसका फार्मूला क्या है, ए टू जी इन्फॉर्मेशन मैं अभी आप लोगों को बता देता हूं। लेकिन इससे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने इस वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर तो इस वीडियो को आप लोग स्किप करेंगे तो नुकसान आप लोगों ने अपना ही करना है, किसी का कुछ नहीं जाना। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके और आप लोग इन वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। चलिए दोस्तों, मैं आज का बिज़नेस आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, ये जो मशीन आप लोग अपनी वीडियो की स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके ज़रिए आप लोगों ने प्लास्टिक की चेयर्स तैयार करनी है। दोस्तों, आज का बिज़नेस आइडिया प्लास्टिक की चेयर्स के हवाले से है। दोस्तों, इस कारोबार को आप लोग तीन तरीक़ों से कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आप अपनी इंडस्ट्री बना सकते हैं जिसमें आप लोगों ने चेयर बनाकर सेल करनी है। नंबर टू, दोस्तों अगर आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट कम है, यानी कि अगर आप लोगों के पास 5 से 10 लाख रुपए हैं, तो आप लोगों ने पीवीसी यानी कि प्लास्टिक दाना खरीदकर आगे इंडस्ट्री में आप लोगों ने देना है और उनसे बनी बनाई चेयर्स को आप लोगों ने लेकर मार्केट में सेल करना है। नंबर थ्री, दोस्तों अगर आपके पास 5 से 10 लाख रुपए भी नहीं है तो आप लोगों ने मार्केट से बनी बनाई चेयर्स लानी है और आगे मार्केट में आप लोगों ने कैसे सेल करनी है वो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब बात करते हैं कि जो लोग अपनी मशीन लगाएंगे वो कुर्सी को कैसे तैयार करेंगे। आपको बताता चला जाऊं कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने मशीन में प्लास्टिक दाना डालना है और मशीन 1 से 2 मिनट में प्रोसेसिंग के बाद आप लोगों की कुर्सी तैयार कर देगी। ये एक ऑटोमेटिक मशीन है। जब आपकी कुर्सी तैयार हो जाएगी तो इसमें आप लोगों ने पाइप लगाकर पैक कर देनी है और जैसे ही आप लोग पैक करेंगे ले दोस्तों, आपकी कुर्सी तैयार हो जाएगी। अगर मशीन की प्रोडक्शन की बात की जाए तो ये मशीन 18 घंटों में 700 से 800 कुर्सियां तैयार करती है। अगर मैं लेबर के हवाले से बात करूं तो लेबर के तौर पर आप लोगों को 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी। एक लड़का दाना डालेगा और दूसरा चेयर्स को बाहर निकालता जाएगा। इस मशीन के जरिए आप लोग कुर्सी के अलावा और भी प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, मतलब कि आप लोग जो भी डाई लगाएंगे मशीन वही प्रोडक्ट तैयार करती जाएगी। दोस्तों, इस बिजनेस के रिलेटेड मैंने आप लोगों को तीन तरीके बता दिए हैं। जितनी आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट हो उस हिसाब से आप लोग इस कारोबार को शुरू कर लीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए आप लोगों को बिजली का कनेक्शन कौन सा चाहिए होगा, तो ये भी मैं आप लोगों को क्लियर करता चला जाऊं कि अगर तो आप ये बिजनेस करना चाह रहे हैं, ये सेटअप लगाना चाह रहे हैं, इस मशीन को ऑपरेट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप लोगों को 3 फेज की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं रॉ मटेरियल के हवाले से बात करूँ तो ये रॉ मटेरियल आप लोगों को लाहौर उर्दू बाजार से बआसानी मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग अलीबाबा से ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का ये बिज़नेस आइडिया आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप ये बिज़नेस नहीं भी करना चाह रहे तो आप हमारा चैनल विज़िट करें, वहां पर आप लोगों को बेशुमार बिज़नेस आइडियाज़ मिल जाएंगे। अगर उनमें से आप कोई भी बिज़नेस करते हैं तो मैं आप लोगों को यकीन के साथ कहता हूँ कि आप लोग महाना अच्छा खासा कमा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मेरी जितनी भी माएँ बहनें घर बैठे बाइज़्ज़त तरीके से बापर्दा रोज़ी कमाना चाह रही हैं तो उनके लिए ये मैंने अपना दूसरा चैनल बना दिया है। आप लोग इस चैनल को लाजमी विज़िट करें, इंशाल्लाह आप लोग घर बैठे ऑनलाइन तरीके से लाखों रुपए कमा सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।